ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलती हूँ जो मैं कर पाती हूँ। और क्योंकि ये किसानों का क्षेत्र है और मैं स्वयं एक किसान हूँ और किसानों के सेक्टर में ही जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हूँ, तो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि फार्मर्स को जितना हम बेटर फैसिलिटेट कर सकें वो करने का प्रयास रहा है। मिल्क के सेक्टर में पहली प्राथमिकता फार्मर्स की रहती है कि उनको बेटर प्राइस मिले, दूध की अच्छी रेट उनको मिले। उसको हमने पिछले साल सोचा था कि हम लोग 4 रुपया प्रति फेट देंगे, उसको हम पिछले कई महीनों से उसको अप्लाई कर चुके हैं और आज हम उसको देंगे। ये मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव जो मेरा था वो 4 रुपये फेट फार्मर्स को प्रोवाइड कराना, जो कि आज की तारीख में पिछले कई महीनों से हम दे रहे हैं। दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहा कि मैं उदयपुर डेयरी को पूरे राजस्थान में से एक ऐसी यूनिक डेयरी बनाना चाहती हूँ जिसमें कि 100% कैनलेस स्टॉक हमारी हो जाए। BMC लगाने की शुरुआत उदयपुर डेयरी ने करी थी आज से करीब 6 साल पहले, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उदयपुर डेयरी में 2 BMC लगे हुए थे। आज की तारीख में हमने 105 BMC इंस्टॉल कर दिए हैं जो काम कर रहे हैं। इसमें उदयपुर और राजस्थान हमारा दोनों जिले कवर होते हैं। सिर्फ 3 रूट हमारे ऐसे बचे हैं जिसमें कि हमारा केन के माध्यम से दूध आ रहा है, तो मार्च तक हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे। फार्मर्स को दूध की अच्छी रेट के साथ साथ में बेटर क्वालिटी का दूध हमारे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, ये भी हमारा एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव है और उसको भी हम फुलफिल करने में कामयाब रहे हैं। ये दोनों इश्यूज़ को हम साथ साथ लेकर चले और उसको करीब करीब कंप्लीट करने में हम सक्सेस रहे। आप वो मार्केट में प्लस माइनस होती रहती है, जब शादियों का सीज़न होता है या गर्मी का सीज़न होता है तो उसमें मार्केट डिमांड बढ़ जाती है, और सर्दियों का सीज़न या इस टाइप का रेनी सीज़न तो उसमें मार्केट डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। सावों के अलावा मार्केट डिमांड को हम लोग फुलफिल करने कर रहे हैं। सावों में कुछ एकदम अब्रप्ट मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और शादियों के सीज़न में जैसे कि 1.25 लाख लीटर हमारी दूध की है, तो अभी हम लोग 80,000 लीटर दूध तो रूटीन में सप्लाई करने की पोजीशन में है। एकदम जो जंप आता है उसको हम मीट आउट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे सिस्टर कंसर्न्स हैं जैसे दूसरी यूनियन से हम लोग लेकर और उसको फुलफिल करते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो 1 लाख से ऊपर यदि जंप मारता है तो उसको हम जैसे पिछली गर्मी में हम लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस टाइम हमारा जो प्रिक्योरमेंट एरिया से जा रहा है वो 45,000 लीटर ही था और मार्केट डिमांड हमारी 1,15,000 लीटर के आसपास थी, तो उसमें से करीब 15-20,000 लीटर दूध हम लोग सप्लाई नहीं कर पाए। मेरा फर्दर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम इस उदयपुर एरिया को ऐसा पोटेंशियल एरिया बनाना चाहते हैं कि जहाँ हमारी जितनी मार्केट नीड है उसको हम यहीं के दूध से फुलफिल कर लें, हमें दूसरी यूनियन पर डिपेंडेंसी हमारी नहीं रहे। उसके लिए हमने एक स्कीम चला रखी है कैटल लॉनिंग की, कि जिन जिन काश्तकारों को पशु लॉन चाहिए, क्योंकि काश्तकार हमेशा एक तो संपन्न तो होता नहीं कि 1 लाख के पशु 2 पशु के लिए 1 लाख के कैपिटल को एक साथ इन्वेस्ट कर सके, तो उसके लिए हमने कैटल लॉनिंग स्कीम प्रारंभ की है। करीब 130 पशु हमारे एरिया में अभी आ चुके हैं, पिछले 2 महीनों से हमने स्टार्ट किया और आगामी मार्च तक हम लोग चाहते हैं कि 500 पशु इस एरिया में आ जाए। 2012 का प्राइम एजेंडा क्या है? 2012 का प्राइम एजेंडा मेरा ये है कि फार्मर्स को बेटर फैसिलिटेट करना, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, और जो हमारा डेयरी बिजनेस का मेन जो आधार है हमारा पशु, उसमें ब्रिड इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे कि अच्छी ब्रिड इस एरिया में आए, उसकी मेंटेनेंस अच्छी हो ताकि उसकी आने वाली प्रोजेक्ट भी अच्छी हो, मिल्क का प्रिक्योरमेंट भी हमारे एरिया में बढ़े, ये एजेंडा मेरा। डेयरी मार्केट में प्राइस बढ़ा रही है जिनसे आम कंज्यूमर पर फर्क पड़ता है, उसको आपने कुछ सोचा है कंट्रोल करने के लिए आपको व्यवस्था की जिससे प्राइजेस मेंटेन है? देखिए ये तो सीधा सा आवश्यक वस्तुओं में आता है, दूध हर परिवार की नीड है बच्चे से लेकर बूढ़े तक की, और इसकी यदि अपन ग्रासरूट लेवल पर जाकर देखें कि दूध का जो प्रोडक्शन है किन विकट परिस्थितियों में फार्मर्स कर रहे हैं, यदि दूध की रेट उनको बेटर देनी है तो हमें कंज्यूमर मार्केट में भी रेट को कंपनसेट करना पड़ेगा। और डेयरी जितना दूध देती है और जितना सेल करती है उसके बीच का जो मार्जिन मनी है वही हमारे सारी एक्टिविटीज़ को रनअप करने के लिए, स्टाफ की सैलरी के लिए और इन सभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन सभी को मीट आउट करती है, तो मार्केट में कॉम्पिटिटिव रेट तो हमको रखनी ही पड़ेगी और कंज्यूमर मार्केट को भी हम लोग ध्यान में रखकर चलते हैं, साथ में हमको फार्मर्स रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना पड़ता है, तो इन दोनों को किस तरह से बैलेंसिंग फॉर्म में हम कंपनसेट कर पाते हैं ये प्रयास हमारा रहता है। हम चाहते हैं कि उपभोक्ता भी हमसे जुड़े रहे और किसान भी हमसे जुड़े रहे, तभी हमारा जो बिजनेस है सक्सेसफुली रन कर पाएगा, और इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए। कुछ केसेस चल रहे हैं कोर्ट में क्वालिटी को लेकर, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई जबकि हम क्वालिटी में बात करते हैं? नहीं, दीज इश्यूज आर रिलेटेड टू द क्वालिटी कंट्रोल है, और क्वालिटी पैरामीटर्स पर आज सरस ब्रांड जो है आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांड इन ऑल ओवर राजस्थान, और जो इसका सर्कुलेशन है तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू पर
कभी ऐसा भी नहीं है कि इतने बड़े बिजनेस में क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एवरी टाइम हमारा परमानेंट स्टाफ काम नहीं करता है, जो लॉट बनता है कभी ऐसा हो सकता है, वी आर नॉट सेइंग कि 100% वी आर करेक्ट, बट वी आर ट्राइंग टू करेक्ट आवर सेल्फ एंड रीच अप टू द 100%. देर मस्ट बी सम लैकुना इन द सिस्टम, इफ एनी मिस्टेक हैज बीन डन इन द सिस्टम तो वी शुड करेक्ट इट. तो ऐसे कुछ केसेस हैं वो मैं सोचती हूँ कि ऐसे सीरियस मैटर नहीं है जिससे कि उपभोक्ताओं की हेल्थ या हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट इज राइट, बट द सेलर पर्सन हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट्स इज विक्टिमाइज्ड, ही हैज टू फेस द कोर्ट कॉल एंड क्वालिफिकेशन, व्हाइल इट शुड बी टेकन सीरियसली बाय द मैनेजमेंट. That has been taken seriously by the management, but we have mentioned the date of our manufacturing and the up to which date it is not poisonous for the health or health point of view से hazardous नहीं है. We already mentioned. यदि उसके बाद में कोई seller अपना उस product को दो दिन बाद भी sell करता है तो ये उसकी personal liability में आ जाता है. That's why we are mentioning the date कि ये दूध आज की packing का है, ये श्रीखंड आज की पैकिंग का है, ये कितनी डेट तक है, चाहे हमारा जो स्टरलाइज मिल्क है बोकल मिल्क जो जिसके नाम से हम कहते हैं, तो उसके 6 मंथ तक वाइबिलिटी उसकी है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है. और ये हमारे मैनेजमेंट के साथ साथ में हमारे बूथ एजेंट्स को भी इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि जो आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हो गए हैं उनको वो लोग मार्केट में भी सर्कुलेट नहीं करें, और अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग ही जितना कंजप्शन होता है उतना ही वो प्रोडक्ट मंगाएं. बट मैनेजमेंट ने किसी को टर्मिनेट किया है? अच्छा, यहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी में कि एक दो लोग ऐसे थे तो उनका ये था कि उन्होंने कुछ हड़ताल वड़ताल करी थी, उसमें उनका ये फर्ज बनता है कि वो चेयरपर्सन और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करे, उसमें एक पार्ट में उन्होंने कमी रखी थी, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं तो MD के बाद में नेक्स्ट जो भी सिस्टम में कहीं कमी है या कोई भी चीज़ है या कोई चीज़ ऐसी आती है कि जहाँ पर ह्यूमन जस्टिस की बात आती है, तो हम लोग बैठे भी इसीलिए हैं कि सबके साथ न्याय हो, सबके अधिकारों और हितों की सुरक्षा करते हुए संस्था में एक अच्छा वातावरण रखते हुए हम काम करें, तो उससे एक प्लीजेंट वातावरण में काम करने का सबका मन भी करता है और संस्था में एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट भी हो, यही कोशिश हमारी रहती है. पर तो इसमें उन्होंने इस पार्ट को लैग किया कि उन्होंने टाइमली हमको इन्फॉर्म नहीं किया. उसके बावजूद भी 3 दिन तक उनकी हड़ताल रही, फिर वो स्वतः अपनी इच्छा से वापस आ गए. तो उनमें से जिस जगह पर जिनको लगाना था, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इतनी बड़ी संस्था में कोई काम सफर करेगा किसी एक व्यक्ति के जाने से, तो ये मैनेजमेंट का पार्ट है कि उसने उस जगह पर किसी व्यक्ति को पोस्टेड करके और अपना काम कराया, और उन व्यक्तियों को वापस हो सकता है जो जगह फिलअप हुए इसके बजाय दूसरी जगह पर लगाया, तो दे डोंट एग्री फॉर टेकिंग द चार्ज ऑफ दैट प्लेस. तो यहाँ पे ठेका मजदूर के तहत काम करने वाले लड़कों का ये भी नहीं है कि वो जिस वो इसी जगह का हमारा ठेका है तो हम वहीं जाएंगे और इसके अलावा हमको कोई काम करेंगे, तो ना तो मैनेजमेंट ने किसी को निकाला है सिस्टम में, जैसे कि यहाँ अकाउंट्स में है तो उसको PNI में भेजा है या प्लांट में भेजा है, ये तो इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको कब कहाँ कौन से व्यक्ति की ज़रूरत है. और कई बार जैसे हमें प्लांट में नहीं जरूरत है और PNI में किसी आदमी को भेजना है जैसे, तो उससे रिलेटेड काम है तो हम उसको रीशफल भी करते हैं. ये डिपेंड ऑन द नीड एंड वर्क की क्या नीड रहती है उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है. तो आई थिंक इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दैट टाइप की आप जो कह रहे हैं कि किसी को निकाला या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स. आई थिंक इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट 6-7 लोग हैं, आई थिंक ऐसे 6-7 लोग तो कोई है नहीं, 2 लोग जरूर हैं साथ में साथ में, और उन्होंने जो कोर्ट केसेस भी कर रखा है लेबर कोर्ट में गए, तो उसमें जो भी संबंधित मैनेजमेंट उसको जो समझेगा और उसमें जो भी उनका फैसला रहेगा, क्योंकि मेरे पास तो वो बात आई नहीं कि हम ये करने जा रहे हैं ये कर रहे हैं या इस वजह से हमने क्या, क्योंकि मेरे पास जब ये बात आई होती कि मैडम यहाँ पे हमारे साथ ये नहीं हो रहा है, यहाँ हम डिजर्व करते हैं हमारे साथ ये चीज़, जब जो भी उनके ग्रीवेंसेस होते यदि मेरे पास एज अ चेयरपर्सन आते तो आई कैन थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स हैज बीन डन बाय दैट फेलो, द स्ट्राइक हैज बीन मेड बाय दैट फेलो विदाउट इंटीमेटिंग मी, एंड देन ही कम्स टू मी कि मैडम जो था वो तो हमने कर लिया और अब हमको वहीं लगना है, तो दिस इज़ नॉट द वे. किसी भी संस्था में काम करें तो प्रॉपर तरीका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी सारी जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर पुट अप करें, यदि उसका कोई रास्ता नहीं निकलता तो देन यू गो फॉर द लेटर स्टेज व्हाट एवर द स्टेज व्हिच यू लाइक, बट आई थिंक दे लैक दिस पॉइंट और देन दे गो टू द. अब क्या हो सकता है, नेगोशिएशन हो सकता है आपस में या कोर्ट से फैसला होगा तब तक वेट करेंगे? देखिए ये तो मैनेजमेंट देखेगा कि इसमें क्या, क्योंकि ऐसा भी कोई उनके साथ इनजस्टिस नहीं किया है, एक सिस्टम से एक जगह से लेकर यदि दूसरी जगह उनको कोई काम करने का दिया है तो ये नहीं कहा है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए,
और ये मैनेजमेंट की पावर में आता है कि किस व्यक्ति को बेटर यूटिलाइज करने के लिए कहाँ उसको प्लेस कर सकते हैं, ये उसकी